हेलो एवरीवन, वेलकम टू खंडेलकर एकेडमी। इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियां डिस्कस करेंगे। एमबीपीएससी के सिलेबस के अनुसार बोलियां सिलेबस में लिख रखा है, तो क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मध्य प्रदेश की प्रमुख भाषाएं, कौन सी भाषा बोली जाती किस क्षेत्र में, कौन सी बोली किस क्षेत्र में प्रचलित है, उसके बारे में जानेंगे। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिल सके, और आप प्रीवियस वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, ज्यादा देरी ना करते हुए, मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियां। तो बात करते हैं फ्रेंड्स बोलियां की। तो मध्य प्रदेश में सांस्कृतिक एवं सामाजिक विभिन्नता होने के कारण अनेक प्रकार की बोलियां बोली जाती है। मध्य प्रदेश में सांस्कृतिक एवं सामाजिक विभिन्नताएं देखी गई है, हर जगह होने के कारण अनेक प्रकार की बोलियां बोली जाती है। तो ये कुछ बोलियां हैं जो बोली जाती है, तो इसकी बात करते हैं अपन। सबसे पहले बात करते हैं बुंदेलखंडी की। तो बुंदेलखंडी को आपको कैसे याद रखना है, बुंदेलखंडी अपने मध्य प्रदेश में बोली जाती है। तो बुंदेलखंड आपने पठार में मैप देखा होगा, बुंदेलखंड का जो पठार है, बुंदेलखंड के पठार में जो जो जिले आते हैं वो जिले में बुंदेलखंडी बोली जाएगी, और यूपी के कुछ जिलों में बोली जाती है जो बुंदेलखंड के पठार में आता है। तो अशोकनगर में बोली जाती है, दतिया में बोली जाती है, ये याद रखना है। पठार के हिसाब से आप याद रख लो एक तो, और उसके अलावा जिले भी याद रख सकते हो। गुना में बोलते हैं, शिवपुरी में, मुरैना में, सागर में, छतरपुर में। काहे कि सागर हो गया, छतरपुर, दमोह, ये सब बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं। विदिशा, रायसेन, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, देखो होशंगाबाद नरसिंहपुर तो सतपुड़ा में आते हैं, लेकिन इस क्षेत्र में भी बोलते हैं। सिवनी, छिंदवाड़ा और बालाघाट आदि जिलों में बोली जाती है बुंदेलखंडी। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, बुंदेलखंडी अपने यहाँ बोली जाती है। तो ये कभी जिले का नाम देके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कभी क्वेश्चन पूछ लिया छतरपुर में कौन सी बोली बोली जाती है, तो आपको बुंदेलखंड लगाना है, तो बुंदेलखंडी, बुंदेलखंडी लगाना है। अब बात करते हैं निमड़ी की। निमड़ी, तो निमाड़ क्षेत्र तो आपने सुना ही होगा, जो खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी वाला जो क्षेत्र है उसे प्राचीन काल में और पहले निमाड़ क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। निमाड़ क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, तो निमड़ी वहीं बोलते हैं, बुरहानपुर में, खंडवा में, खरगोन में। खंडवा को बोलते हैं पूर्वी निमाड़ और खरगोन को बोलते हैं पश्चिमी निमाड़। धार में ही बोलते हैं, देवास में ही बोलते हैं, बड़वानी में ही बोलते हैं, झाबुआ में और इंदौर में, तो इधर साइड कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है। तो निमड़ी याद रखना, निमड़ी क्या है, भाषा है, बोली है अपने मध्य प्रदेश की। तो बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, धार, देवास, बड़वानी, झाबुआ और इंदौर में निमाड़ी बोली बोली जाती है, याद रख लेना है। अब बात करते हैं बघेलखंडी की। तो जो बघेलखंड वाला जो क्षेत्र है अपने पूर्वी मध्य प्रदेश का, जो अपना पूर्वी मध्य प्रदेश का जो बघेलखंड वाला क्षेत्र है, जहां पे रीवा, सतना, शहडोल, उमरिया जिले आते हैं, ये क्षेत्र में बोली जाती है बघेलखंडी। तो आप दिशा के हिसाब से भी याद रख सकते हैं, बघेलखंडी की इधर साइड पूर्वी मध्य प्रदेश के रीवा, सतना, शहडोल, उमरिया की तरफ बोली जाती कौन सी बोली, बघेलखंडी। अब बात करते हैं मालवी, मालवा। मालवा का पठार तो आपने पढ़ा ही होगा, मालवा के पठार में कम से कम 18 से 19 जिले आते हैं। तो वो जो 18 से 19 जिले मालवा के पठार में आते हैं, तो फ्रेंड्स जैसे मालवा का पठार है, तो मालवा के पठार में तो मालवी बोली बोली जाएगी ना, ये इसमें कोई शक की बात है ही नहीं। तो जो जो जिले आते हैं याद रख लेना है। जैसे सीहोर में बोली जाती है, इंपॉर्टेंट है, सीहोर में, नीमच में बोलते हैं, रतलाम में, ये रतलाम इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है एक बार व्यापम में, मंदसौर में, साजापुर में, झाबुआ में, उज्जैन में, देवास में, इंदौर में, आदि जिलों में मालवी बोली बोली जाती है। तो याद रखना ये मालवी बोली है ना। मालवी कहाँ कहाँ बोलते हैं, जिले का नाम दिया हुआ है, लिख रखा है, सीहोर, नीमच, रतलाम, मंदसौर, साजापुर, झाबुआ, उज्जैन, देवास, इंदौर आदि जिलों में मालवी बोली बोली जाती है। देखो इसके बाद चलते हैं आगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट भाषा की, जिसका नाम है ब्रज भाषा। ब्रज भाषा जो है ये हिंदी की एक उपभाषा है, पश्चिमी मध्य प्रदेश, सॉरी देखिए ब्रज भाषा की बात कर रहे हैं। ब्रज भाषा जो है ये हिंदी की एक उपभाषा है, जो पश्चिमी यूपी और उत्तराखंड में भी बोली जाती है, और मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र में बोले जाते हैं,
बोली जाती है जो उत्तर प्रदेश से लगे हुए जिले हैं, जैसे कि भिंड में बोली जाती है, मुरैना में बोली जाती है, ग्वालियर आदि जिलों में बोली जाती है ब्रज भाषा। तो आपको याद रखना है ब्रज भाषा के बारे में, ये मध्य प्रदेश में भी बोली जाती है ब्रज भाषा। अब बात करते हैं कोरकू भाषा, है एक बोली है कोरकू जनजाति बोलती है जो अपने यहाँ निवास करती है। अब वो जहां निवास करेगी वहीं बोलेगी। तो बैतूल, होशंगाबाद और छिंदवाड़ा और खरगोन आदि जिलों में कोरकू भाषा बोली जाती है, ये याद रखना है। तो कोरकू भी अपने यहाँ की भाषा है। और भीली, अब बात करते हैं भीली भाषा की। तो भीली भाषा जो है भील जनजाति बोलती है, तो ये कहाँ कहाँ बोलते हैं, जहाँ भील जनजाति निवास करती है उधर ही साइड बोलेंगे। तो रतलाम में बोली जाती है, धार में बोली जाती है, झाबुआ में बोली जाती है, खरगोन में बोली जाती है एवं अलीराजपुर जिले में बोली जाती है भीली भाषा, याद रखना है, खासकर मालवा वाले क्षेत्र में। अब बात करते हैं गोंडी। गोंडी गोंड जनजाति बोलती है, और क्यों, कौन से जिले में बोली जाती है, ये बैतूल में बोली जाती है, छिंदवाड़ा में बोली जाती है, सिवनी में बोली जाती है, विशेषकर बालाघाट में बोली जाती है, मंडला में तो बोलते ही बोलते हैं, डिंडोरी और होशंगाबाद जिले में गोंडी भाषा बोली जाती है। मध्य प्रदेश के इन जिलों में गोंडी भाषा बोली जाती है। जिले का नाम देके पूछा जा सकता है इस जिले में कौन सी भाषाएं बोली जाती है। तो इस लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया, अब मैं आपको एक्स्ट्रा जानकारी देता हूँ, वीडियो को ध्यान से देखना जो भी बन सके। तो देखिए मेरी बातों को ध्यान दीजिए, मध्य प्रदेश में सांस्कृतिक एवं सामाजिक विभिन्नता होने के कारण अनेक प्रकार की बोली बोली जाती है। अपन ने बुंदेलखंडी पढ़े हैं, निमड़ी पढ़े हैं, बघेलखंडी पढ़े, मालवी पढ़े, ब्रज भाषा पढ़े, कोरकू पढ़े, भीली पढ़े, गोंडी पढ़े, लेकिन एक सहरिया जनजाति जो अपन ने पढ़े थे वो भी एक भाषा बोलती है जिसका नाम है सहरियाई। तो सहरियाई भाषा भी अपने यहाँ बोली जाती है, याद रखना है। इसके अलावा एक खड़ी बोली भी बोली जाती है, इम्पॉर्टेंट है, खड़ी बोली, खड़ी बोली। ये खड़ी बोली को ही, खड़ी बोली को ही कौरवी भी बोलते हैं, याद रखना है, इसी का नाम है कौरवी। कौरवी इसी का नाम है, कंफ्यूज नहीं होना है। कौरवी को ही खड़ी बोली के नाम से भी जाना जाता है, ये याद रखना है। खड़ी बोली भी अपने यहां बोलते हैं, खड़ी बोली वैसे कई जगह बोलते हैं मध्य प्रदेश में, बालाघाट हो गया। तो आपको समझ में आया, कौरवी अपने यहाँ बोली जाती है, किसको बोला गया है, ये खड़ी बोली को ही बोला गया है। कौरवी वैसे तो यूपी के मेरठ में भी बोलते हैं, मेरठ में बोलते हैं, उत्तर प्रदेश बिहार तरफ भी बोलते हैं कुछ कुछ जगह, और अपने मध्य प्रदेश में भी बोली जाती है, याद रखना है। इसके बाद भदावरी भी अपने यहाँ बोली जाती है, भदावरी, भदावरी भाषा है ये, बोली है, अपने यहाँ बोलते हैं कुछ कुछ जगह में। बंजारी भाषा बोली जाती है, बंजारी जनजाति निवास करती है उनके द्वारा। तो ये कुछ भाषाएँ थी जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा और कुछ कुछ चीज़ें देखते हैं कि भाषा वाले टॉपिक से और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको ध्यान से देखना है, वीडियो को सुनना है। तो इतनी भाषाएं बोली जाती है अपने मध्य प्रदेश में, इतनी बोलियां हैं, तो क्वेश्चन इस प्रकार का भी बन सकता है कि इनमें से कौन सी भाषा मध्य प्रदेश में नहीं बोली जाती। तो ऐसा क्वेश्चन कई बार बना है, तो आपको याद रखना है, एक भोजपुरी, भोजपुरी ऑप्शन देता है, कई बार भोजपुरी अपने यहाँ नहीं बोली जाती। भोजपुरी कहाँ बोली जाती है, भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में बोली जाती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार के कुछ क्षेत्रों में, पश्चिमी बिहार में बोली जाती है भोजपुरी, अपने मध्य प्रदेश में भोजपुरी नहीं बोली जाती है, आपको याद रखना है। दूसरी भाषा है सिंथाली, ये ऑप्शन मिल सकता है आपको, सिंथाली। ये सिंथाली जो है ये भी अपने यहाँ नहीं बोली जाती, मध्य प्रदेश में बिल्कुल नहीं बोली जाती सिंथाली। ये असम, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ का कुछ क्षेत्र, बिहार, त्रिपुरा, बंगाल में बोली जाने वाली भाषाएं हैं सिंथाली। तो ये दो भाषाएं नहीं बोली जाती। तो ये पूरी भाषाएं आपको याद रखना है, पूरी भाषाएं आपको याद रखना है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश में नहीं बोली जाती। अब बात करते हैं आगे और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। याद रखना, भारत की राज्य भाषा हिंदी है, हिंदी भारत की राज्य भाषा है, ये आप याद रख लीजिए, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, राज्य भाषा है ना कि राष्ट्रभाषा, याद रखना है, हिंदी भारत की राज्य भाषा है, राज्य भाषा है ना कि राष्ट्रभाषा।
क्योंकि राष्ट्रभाषा कोई संवैधानिक शब्द नहीं है, राष्ट्रभाषा कोई संवैधानिक शब्द नहीं है, बल्कि यह प्रयोगात्मक व्यवहारिकता और जन मान्यता प्राप्त शब्द है। राष्ट्रभाषा कोई संवैधानिक शब्द नहीं है, बल्कि यह प्रयोगात्मक व्यवहारिकता और जन मान्यता प्राप्त शब्द है। याद रखना है, हिंदी भारत की राज्यभाषा है, राज्यभाषा, और हिंदी भारत में 10 राज्यों में बोली जाती है, याद रखना है। उसके बाद आगे चलते हैं, एक अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है संविधान का। संविधान का अनुच्छेद 343 के एक के अनुसार, कई सारे पार्ट है इसमें भी, तो एक के अनुसार भारत की राज्यभाषा हिंदी है, जिसमें देवनागरी लिपि का प्रयोग किया गया है, जिसमें देवनागरी लिपि का प्रयोग है। यह अनुच्छेद याद रखना है, संविधान के अनुच्छेद 343(1) के 1 में भारत की राज्यभाषा हिंदी है, देवनागरी लिपि का प्रयोग किया गया है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं, याद रखना है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। क्या हुआ क्या था, 14 सितंबर 1949 को संविधान में शामिल किया गया था हिंदी को, देवनागरी लिपि वाली जो भाषा है, हिंदी को संविधान में शामिल किया गया था, भारत की राज्यभाषा बनाया गया था। इसी कारण 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन एक विश्व हिंदी दिवस भी होता है, यह बात याद रखिए आप, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, 10 जनवरी को मनाते हैं विश्व हिंदी दिवस, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब बात करते हैं आगे और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं यहां से। तो देखिए, ये दो तीन क्वेश्चन और बन सकते हैं, और एक दो फैक्ट है इंपॉर्टेंट वाले, उसको डिस्कस करते हैं। देखिए, बुंदेली इंपॉर्टेंट है, बुंदेली बोली का बुंदेली नामकरण जॉर्ज ग्रियरसन, ये नाम याद रखना है, जॉर्ज ग्रियरसन ने किया था। तो बुंदेली बोली का बुंदेली नामकरण जॉर्ज ग्रियरसन ने किया था। अगला एक और क्वेश्चन बन जाता है, बुंदेलखंड से याद रखना है, बुंदेली शब्दकोश का संकलन महेश कटारे ने किया था। ये भी इंपॉर्टेंट नाम आ जाता है कभी कभी पेपर में, बुंदेली शब्दकोश का संकलन महेश कटारे ने किया था। उसके बाद बात करते हैं बघेली का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है, ये याद रखना है, अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है, पूछा जा सकता है कहां से हुआ है, अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। तो इस लेक्चर में इतना ही, और एक जानकारी मैं आपको दे दूं, भारत में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी, हिंदी है, सबसे ज्यादा भाषा बोली जाती है हिंदी, 10 राज्यों में बोली जाती है हिंदी, कम से कम इसमें 52,83,00,000 से ज्यादा लोग बोलते हैं। दूसरे नंबर में सबसे ज्यादा बोली जाती है बंगाली, 9.72 करोड़ लोग बोलते हैं। तीसरे नंबर में सबसे ज्यादा बोली जाती है मराठी, 3 याद रखें, मराठी के बाद गुजरात, तेलुगु भी बोली जाती है और गुजराती भी, तो एक क्रम याद रख सकते हैं, सबसे ज्यादा हिंदी, फिर बंगाली, फिर मराठी, फिर तेलुगु, फिर गुजराती, फिर उर्दू, ये क्रम है, याद रखना जरूरी है। और बंगाली तो दक्षिण एशिया में तक बोली जाती है, अंडमान निकोबार में ही बोली जाती है, और बंगाली एक प्रकार की धर्म निरपेक्ष भाषा है, तो ये याद रखना है। तो इस लेक्चर से इतना ही, हमने मध्य प्रदेश की बोली और भाषाएं डिस्कस करे, बोली डिस्कस करे, एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, क्योंकि सिलेबस के अनुसार मध्य प्रदेश की बोली पूछी जा सकती है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्ते।